जो भी लड़कियां कहती है यू आर ग्लोइंग, भाई हाईलाइटर ग्लो होता है, मेरा ग्लो नहीं होता वो। एंड हियर इज माय DIY वैलेंटाइन्स डे गिफ्ट हैम्पर जो मैंने मेहनत प्यार और प्रैक्टिकल गिफ्ट से बनाया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। वी आर ऑफिशियली इनटू द वैलेंटाइन्स वीक, लव इज इन द एयर। वैलेंटाइन्स इज ऑल अबाउट लविंग ईच अदर एंड गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर। एंड सिंस मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम फीमेल ही है, तो मुझे लगा मेरी फीमेल ऑडियंस की जरा हेल्प कर देते हैं। आई बी शोइंग यू 10 प्रैक्टिकल वैलेंटाइन्स डे गिफ्ट ऑप्शन फॉर एनीवन इन योर लाइफ। येस आई नो टाइटल मैंने शायद बॉयफ्रेंड या हस्बैंड लिखा होगा, वो तो कीवर्ड्स के लिए करना पड़ता है, बट लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज गिविंग वैलेंटाइन्स डे गिफ्ट टू योर फादर, टू योर ब्रदर, एनी मेल मेंबर ऑफ योर लाइफ, दे ऑल्सो डिजर्व द सेम लव एंड रिस्पेक्ट। लास्ट में बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा हैम्पर। मुझे ना ऐसे गिफ्ट हैम्पर देने बहुत पसंद है, तो मैंने जो भी चीजें आज दिखाने वाली हूँ ना, लास्ट में हम एक प्यारा सा हैम्पर बनाएंगे उससे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। इफ यू आर रेडी फॉर अ नाइस DIY वैलेंटाइन गिफ्ट हैम्पर, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। और अगर नए आए हो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन गिफ्ट जो हम हर एक ओकेशन पे देना प्रेफर करते हैं, विच इज अ नाइस फ्रेग्रेंस, परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया। अब परफ्यूम में क्या होता है ना, एक तो एक्सपेंसिव बहुत आते हैं, फिर आप बड़ी बड़ी बॉटल किसी को दे दो वो शायद उनको पसंद ना आए, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, और उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना वो यूजलेस हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे अमेजोन पे दिखाना वो है ये परफ्यूम का सेट। सो ये बेसिकली EDP का सेट है, दिस फ्रॉम द ब्रांड एरोनॉट, और ये ब्रांड मेरे लिए न्यू नहीं है। मैं पहले स्मिटन से इनके ट्रायल वाले परफ्यूम इतने लेती थी, मैंने मैक्सिमम इनके वेरियंट ट्राई करे हुए हैं एंड आई रियली लाइक इट। सो इट्स बेसिकली अ सेट, इसके अंदर आपको ये चारों फ्रेग्रेंस मिलती है। एंड वंस यू ओपन इट, दिस इज हाउ द सेट लुक्स लाइक, वी आर 4 फ्रेग्रेंस राइट ओवर हियर, और बहुत अच्छी बॉटल है। सो आपका पार्टनर इसको ट्राई भी कर सकता है, और फिर उसको जो अच्छा लगता है फिर फ्यूचर में आप उसको बिगर बॉटल गिफ्ट कर सकते हो। सो एकदम सेफ है देना, और उनको वैरायटी भी कहीं ना कहीं मिल जाती है। एंड दीज आर वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, प्लस दीज आर यूनिसेक्स परफ्यूम। यस आप भी यूज कर सकते हो, आपका पार्टनर भी यूज कर सकता है, और आप शेयर भी कर सकते हो। ये बॉटल मुझे काफी अच्छी लगती है, मेरे पास जो पुरानी बॉटल भी थी ना मैंने सारी रिफिल कर लिया विद सैनिटाइजर, बिकॉज ये इजिली यहां से खुल जाती है, फिर मैं सैनिटाइजर डाल के इसको एज अ सैनिटाइजर भी यूज कर लेती थी फॉर माय टाइनी स्लिंग बैग। सो रिसाइकल और अपसाइक्लिंग पर्पज से मुझे बॉटल्स काफी अच्छी लगती है। ऑल द फ्रेग्रेंस आर वेरी नाइस, वी हैव 4 वेरियंट, लाइक इट हैज कैशमीर ऊद, एक ऊद सॉर्ट ऑफ इसका वेरियंट है, देन वी हैव परसुएसिस नवंबर स्काई क्राई, 4 इसके वेरियंट है। मुझे चारों ही बहुत अच्छा लगता है, आई एम सॉरी मुझे फ्रेग्रेंस समझाना नहीं आता, बट चारों की जो खुशबू है वो काफी अच्छी है। एंड सिंस ये यूनिसेक्स है तो बिल्कुल भी वो फ्लारी गर्ली सी खुशबू नहीं है, इवन मेन कैन वेयर इट, इवन यू कैन वेयर इट, एंड ओवरऑल गिफ्टिंग पर्पज से भी ना मुझे बहुत प्रिटी लगता है। एज समथिंग इन अफोर्डेबल एज वेल, बिकॉज आई नो काफी लड़कियां कुछ अफोर्डेबल में गिफ्ट हैम्पर बनाने की कोशिश कर रही होंगी, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगाना वो है ये एंगेज ऑन का डे एंड नाइट परफ्यूम सेट। सो बेसिकली सिंगल एक परफ्यूम ऐसा आता है, और ये पॉकेट परफ्यूम स्टाइल है। सो वंस यू स्लाइड इट फ्रॉम हेयर, एक फ्रेग्रेंस आपको इधर मिलती है, हेयर इज द होल, एंड एक फ्रेग्रेंस आपको इधर से मिलती है, दोनों ऐसे स्लाइड हो जाते हैं बेसिकली, और दोनों की खुशबू इतनी अच्छी है ना, पर्सनली मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा मैनली और बोल्ड लगी एज कम्पेयर टू दीज। ये फिर भी थोड़े से जेंटल है, इनकी प्रॉपर जो मैनली वाली खुशबू होती है ना इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है। एंड यू गेट क्वाइट अ नाइस स्प्रे फ्रॉम दिस, आपको 400 स्प्रे मिलते हैं विच इज नॉट बैड फॉर जस्ट ₹90। मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे फ्रॉम अमेजोन। आई लव दिस, आई थिंक ₹90 के हिसाब से बड़ा सही है, क्यूट लगा। अगर आप किसी को जार के अंदर कुछ गिफ्ट हैम्पर सॉर्ट ऑफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आजकल आप इंस्टाग्राम स्टोर्स भी देखते हो मेसन जार के अंदर ऐसे गिफ्ट चॉकलेट्स डाल के देते हैं, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या फिर आप इसके भी एक एक सिंगल निकाल के डाल सकते हो, द चॉइस इज योर्स। मैं आपको बजट के हिसाब से दोनों ऑप्शन दे रही हूँ। टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग, मैक्सिम लड़के तो वही स्किन केयर यूज कर लेते हैं जो हम लड़कियां यूज करती हैं, बिकॉज मैक्सिम स्किन केयर इज यूनिसेक्स, ऐसा नहीं होता है खाली लड़कियों के लिए वो बने होते हैं। बट आई फाउंड समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड नाइस गिफ्टिंग ऑप्शन फॉर ऑल द गाइज जिनको बियर्ड रखने का शौक है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बॉम्बे शेविंग कंपनी, नो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी, मैंने खुद खरीदा अमेजोन से। सो इट्स बेसिकली अ गिफ्ट पैक, एंड वंस यू ओपन इट फ्रॉम हेयर, कहाँ से खुलेगा ये, ऐसे खुलता है, एंड वी हैव ऑल द स्टफ राइट इन हेयर। मुझे इसका सामान भी काफी सही लगा। तो सबसे पहले हमें एक ब्रश मिलता है जो कुछ इस तरह के पाउच में आता है, रियली लाइक द पाउच, इट्स वेरी वेरी हाइजीनिक एंड नाइस टू कैरी। सो वंस यू ओपन द पाउच वी हैव अ ब्रश राइट ओवर हेयर। सो ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनकी बहुत लॉन्ग बियर्ड होती है, बिकॉज उनको इवेंचुअली उसको कोम भी करना होता है थोड़ा सा उसको ग्रूमिंग करने के लिए। देन नेक्स्ट अप वी हैव अ बियर्ड ऑयल इन इट, दिस इज फॉर 5x स्मूथ शाइन, दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक, और अंदर से दिखता है कुछ इस तरह से। आई एम सॉरी आई कांट रिव्यू दिस product because
यार बियर्ड नहीं है ना मेरी, मैं तो शेव कर लेती हूँ जो मेरी हल्की हल्की मूछें आती है. सो दिस इज हाउ द बियर्ड ऑयल लुक्स लाइक. ऐसे सीरम फॉर्मुलेशन में आता है, लेकिन जस्ट ड्रॉप इट एंड मसाज इट ऑन देयर मुच्छी और दाढ़ी, वट एवर यू से. नेक्स्ट वी हैव अ बियर्ड सॉफ्टनर इन इट. दिस इज बेसिकली टू सॉफ्टन योर बियर्ड. अगर आपको हल्का हल्का उसको एक अच्छी शेप देनी है तो आप इसको खोल के लगा सकते हो. एंड एट लास्ट वी हैव अ शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर योर बियर्ड, विच इज लाइक वेरी यूनिक है, मैंने कभी नहीं सुना था. सो स्पेसिफिकली फॉर क्लीनिंग योर बियर्ड वी हैव अ शैम्पू एंड कंडीशनर. सो ये सिंगल एक प्रोडक्ट है जो शैम्पू कंडीशनर दोनों का काम करता है. सो ये बेसिकली एक पूरा हैम्पर है जो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हो. ऑल्सो इस बॉक्स में काफी स्पेस है, लाइक इसके अलावा भी इसमें अच्छी खासी स्पेस है, तो आप दो तीन चीजें एक्स्ट्रा और अपनी भी डाल सकते हो. एंड देन close it and gift it like that. और ये तो पूरी एक किट की बात हो गई. एज आई टोल्ड यू मैं आपको कुछ अफोर्डेबल में भी बताने वाली हूँ. यू कैन जस्ट गिव वन प्रोडक्ट एज वेल. ये है फ्रॉम द ब्रांड एलबर्ट एलोवेरा जेल विद आईसी कूल कुकम्बर एंड बैम्बू जेल. सो ये बेसिकली एलोवेरा जेल है स्पेसिफिकली फॉर मेन. दे कैन यूज इट ऑन ऑन द हेयर स्किन एंड बियर्ड. सो ये भी एक मल्टीवे प्रोडक्ट है. ये कुछ दिखता है इस तरह से, कुछ इस तरह का एक क्लियर एलोवेरा सॉर्ट ऑफ जेल है जैसे हमारा आता है. ये स्पेसिफिकली उन्होंने फॉर गाइज बनाया है. वो इनको अपनी बियर्ड पे यूज कर सकते हैं, स्किन पे यूज कर सकते हैं, अपने बालों को सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम जो हेयर जेल्स आते हैं मार्केट में, दे कैन जस्ट रूइन योर हेयर. तो अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हो दैट जस्ट मेंटेन द शाइन ऑफ द हेयर एज वेल, यू कैन गिफ्ट समथिंग लाइक दिस. सो ये एकदम थोड़ा सा एक्सपेंसिव में हो गया. अगर आप कुछ एक बजट में एक सिंगल चीज देख रहे हो फॉर योर हैम्पर, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस. नाउ कमिंग टू गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज लड़कों को गैजेट से बहुत ज्यादा प्यार होता है. सो हैव टू ईयरफोन वेरियंट्स राइट हेयर. दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटी के लड़कों के लिए. सो अगर आपका पार्टनर एकदम जिम फ्रीक है, लाइक ही गोज फॉर साइकिलिंग, जिमिंग और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो उस केस में क्या होता है, जो ऐसे ईयरफोन्स होते हैं ना बार बार गिरते रहते हैं, सो ऐसे वाले ईयरफोन्स एकदम परफेक्ट है. ये मैंने रिसेंटली खरीदे अमेज़न से. दे आर फ्रॉम द ब्रांड बोट. मैं बोट के एकदम लॉयल कस्टमर हूँ. मुझे बोट के ईयरफोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, उनकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी चल जाती है. सो दीज आर बेसिकली कॉलर्ड वाले जो ईयरफोन्स आते हैं ना, आप इसको यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो. यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऐसे मिलता है, एंड जस्ट यू कैन जस्ट प्लग इट इन एंड लिसन टू योर म्यूजिक. आप इससे कॉल पिकअप कर सकते हो. वॉल्यूम अप एंड डाउन का आपको बटन मिलता है. सो अगर कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस केस में ये वाले ज्यादा सिक्योर रहते हैं, बिकॉज ये गिरते नहीं है. गिरेंगे भी तो आप इसको वापस लगा सकते हो. वाइल अगर आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा ऑफिस में वर्क करता है या फिर ड्राइविंग करते टाइम उनको कुछ ब्लूटूथ ईयरफोन चाहिए, तो ऐसे वाले एकदम परफेक्ट है. दीज आर अगेन फ्रॉम द ब्रांड बोट. ये मैं ग्राउंड फ्लोर पर यूज करती हूँ, और जब मैं ऊपर एक्सरसाइज करने आती हूँ ना तो मैं ये यूज करती हूँ, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने दो दो क्यों लिए हुए हैं. सो ये ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं. दे ओपन इट लाइक दिस, एंड जैसे आप एक को निकालोगे ना, आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ दिख जाएगी. यू कैन सी आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ भी दिख रही है. फोर थ्री लाइट्स अभी जल रही है, तो इसमें अभी थ्री बैटरी है. अभी इसको मैं फुल करूंगी तो फोर की फोर लाइट्स ऑन हो जाएंगी. तो इफ योर पार्टनर इज अ जिम फ्रीक, आई थिंक ये वाले ईयरफोन्स बेटर है. अदरवाइज फॉर कार और फॉर ड्राइविंग और फॉर वाइल वर्किंग ऑन अ लैपटॉप और इन अ सिटिंग जॉब, आई थिंक ये वाले ईयरफोन ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट बेस्ट गिफ्ट इन द गैजेट कैटेगरी हैज टू बी अ नाइस स्मार्ट वॉच. मैंने जो पहनी हुई है वो है एप्पल की एससी सीरीज, लेकिन अभी आपको इजीली अमेजोन पे बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स की भी स्मार्ट वॉचेस मिल जाती हैं. बोट भी अपनी एक स्मार्ट वॉच बनाता है जो काफी अच्छी है. मेरे एक फ्रेंड के पास बोट की स्मार्ट वॉच है, तो वो काफी सही है. वन प्लस की भी एक फिटबिट आती है, तो वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो. ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है. सो स्मार्ट वॉच इज लाइक द बेस्ट गिफ्टिंग ऑप्शन. इसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी ट्रैक हो जाती है, आप कितना रन कर रहे हो, आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप इससे कॉल्स पिकअप कर सकते हो, आप इससे फोटोज खींच सकते हो, बिकॉज में ब्लूटूथ रिमोट भी होता है, तो आप फ्रेम देके फोटोज भी ले सकते हो. सो आई थिंक नॉर्मल वॉच अगर आप दे रहे हो ना कुछ फैंसी सी 8-10 हज़ार की, उससे बेटर है आप एक अच्छी सी स्मार्ट वॉच दे दो. ये ज्यादा उसके काम आती है, एंड दिस इज मोर प्रैक्टिकल एंड यूजेबल. बारिश काफी तेज हो गई, आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आपको अनॉय कर रही होगी. मुझे शूट करना ही करना है यार, वरना लेट हो जाएगा काफी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट गिफ्ट विच इज दिस मोबाइल स्टैंड, एंड आई एम टेलिंग यू ये सबसे यूजफुल गिफ्ट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा आपके पार्टनर को पसंद आएगा. थोड़ा सा अंडररेटेड लगता है, बट ये इतनी यूजफुल चीज है ना. जब मैंने अमेजोन से लिया था ना, मैंने ऐसे ही ले लिया था. मुझे लगा यार बड़ा फैंसी सा लग रहा है, और जब मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ ना, मुझे बड़ा अनॉइंग लगता था. मेरा फोन ऐसे रखा होता, मैं बाबर ऐसे पिक करके देखती थी, अच्छा किसकी कॉल आई, क्या नोटिफिकेशन आई. आप सबके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे साथ साथ कमेंट्स देखने का भी बहुत शौक है, मैं हार्ट करती रहती हूँ. सो ये मोबाइल स्टैंड मुझे काफी सही लगा है. मैं अपने लैपटॉप के साइड पर रखती हूँ. सो ये आप टू वे में यूज कर सकते हो. अपना फोन या तो ऐसे रख सकते हो, या फिर ऐसे, आप दोनों तरीके से अपना फोन रख सकते हो. प्लस इसमें नीचे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ना, यहाँ से आप चार्जिंग भी कर सकते हो. सो आप अपना मोबाइल यूज करते वक्त भी चार्जिंग ईजिली कर सकते हो, विच इज लाइक वेरी वेरी यूजफुल. और इसी के साथ जब मैं इसको ऐसे रखती हूँ, मैं इजिली कोई भी कॉल अटेंड कर सकती हूँ. कोई जूम कॉल अटेंड करनी हो, ऑडियो कॉल अटेंड करनी हो, डेफिनेटली काफी अनरेटेड गिफ्ट होगा. लेकिन सबसे ज्यादा यही काम आने वाला आपके पार्टनर को, एंड ही विल डेफिनेटली थैंक यू फॉर दिस. अब जो गिफ्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं उससे पहले सोच रही थी मैं वॉलेट लेकर देखती हूँ अमेजोन से. बट अगेन वॉलेट एक ऐसी चीज होती है जो काफी स्पेसिफिक होती है. सबका अपना प्रेफरेंस होता है, किसी को थिकनेस इतनी चाहिए, किसी को कुछ कंपार्टमेंट चाहिए, किसी को ऐसी पॉकेट चाहिए, किसी का ब्रांड स्पेसिफिक होता है. सो अगर कोई चीज अगर सामने वाले आपके पार्टनर की स्पेसिफिक है ना, तो आप वो गिफ्ट ना ही दो तो अच्छा है, बिकॉज शायद उनको पसंद है या फिर ना पसंद.
पसंद आए, तो उससे बेटर ऑप्शन मुझे लगा एक नाइस पासपोर्ट होल्डर, जो काफी अंडररेटेड चीज होती है, मेन कभी नहीं ये चीजें लेते हैं। लाइक ठीक है यार, पासपोर्ट इधर रखना है, ऐसे अपने बैग में डाल के रख दो, क्या ही जा रहा है। लेकिन आपको अपने पासपोर्ट को अच्छे से रखना होता है, अदरवाइज यू नो आप अटक सकते हो। उससे क्वर्की जो मुझे पासपोर्ट होल्डर लगाना वो है ये, आई नो एकदम तड़कता हुआ येलो कलर है, आई डोंट थिंक सो हर कोई कैरी करेगा नहीं करेगा, बट ये यूनिसेक्स की वेबसाइट पर भी लिखा होता है। और मुझे सबसे क्वर्की लगा, नंबर वन थिंग जो मुझे इस पासपोर्ट होल्डर की लगी ना, इसमें यहाँ पे आपको एक इलास्टिक मिलती है। मैक्सिमम पासपोर्ट होल्डर जो मैं अमेजोन पे ढूंढ रही थी उसमें ये इलास्टिक नहीं थी, और खाली अगर एक पासपोर्ट होल्डर ऐसे खुला होता है ना, देयर इज अ चांस कि वो चीज आपके बैग में अगर ऐसे खुल गई टेढ़ी हो गई, उसके अंदर कुछ पानी गिर गया, सामान चला गया, फिर यहाँ पे आप पासपोर्ट जो लगाते हो वो खराब हो गया, सो फायदा ही नहीं आपको पासपोर्ट होल्डर लेने का। सो मुझे इसका कंसेप्ट सबसे अच्छा लगा। सो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक पॉकेट दिख रही है, आप अपना पासपोर्ट यहाँ से इंसर्ट करते हो, उसका पीछे वाला कवर और फ्रंट यहाँ से ओपन रहता है। सो आप कहीं कहीं पर भी जाओगे आपको खाली ये बुकलेट ऐसे खोलनी है, आप पासपोर्ट ऐसे खोलोगे, इजिली आप उसको शो कर सकते हो, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, एंड देन यू कैन इजिली लॉक इट एंड पॉप इट इन योर बैग। और इसमें लिखा भी हुआ है एंड सो द एडवेंचर बिगिंस, आई लव द होल टेक्स्ट, काफी क्वर्की भी लग रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन मिलता है फॉर योर कार्ड एज वेल, आप यहाँ पे एक कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड या फिर मनी इंसर्ट कर सकते हो, तो एक तरह से आप इसको एक मिनी वॉलेट बना सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो मुझे ये काफी सही लगा, अफोर्डेबल भी था, यूजफुल भी था, एंड अगेन वेरी सिक्योर एंड बेस्ट क्वालिटी। और सिंस हम बात कर रहे हैं एक अच्छा सा वैलेंटाइन हैम्पर बनाने के लिए, हमने ये सारी चीजें तो डाल दी, लेकिन अगर कुछ मीठा ही डालेंगे तो काफी इनकम्प्लीट लगेगा। तो मीठे की जब बात आती है, मैक्सिमम चॉकलेट्स होती है ऑब्वियसली वो अनहेल्दी होती है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा स्पेसिफिक अबाउट हेल्थ या फिर वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व है, वो अनहेल्दी चॉकलेट्स नहीं लेते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे अमेजोन पे दिखा वो है ये, दिस इज फ्रॉम सम ब्रांड कॉल्ड राइट बाइट मैक्स प्रोटीन डेली। मैंने ये ऑर्डर किया है चोको आलमंड वेरियंट, बिकॉज मुझे चॉकलेट वेरियंट में कुछ देना था जो अच्छा भी लगता है। सो दीज आर डेली प्रोटीन स्ट्रेंथ 2 hours of sustained energy, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें पीछे लिखा भी हुआ है, इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, विटामिन 21 विटामिन है, ओमेगा 3 है, और 0 एडेड शुगर, सो ये कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। तो इसके अंदर आती है 6 बार्स जो कुछ इस तरह से दिखती है, वेरी नाइस एंड ह्यूज बार्स, अगर आपका पार्टनर भी एकदम हसल करता रहता है ना इधर से उधर, उसके बाद टाइम नहीं होता कुछ खाने का, तो ऐसी प्रोटीन बार्स भी अगर वो ले लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनके इनटेक के लिए अच्छा रहेगा, भूखे रहने से तो अच्छा ही होता है। तो मुझे काफी सेंसिबल चीज लगी, आप अपने हैम्पर में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट गिफ्ट, मैंने इस पूरी वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, मैंने कुछ भी साइज स्पेसिफिक नहीं दिया, कोई इसके अंदर कपड़े नहीं है, शूज नहीं है, शेड्स नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ना स्पेसिफिक हो जाते हैं, और अगर आपको सामने वाले के साइजेस के बारे में नहीं पता तो अगेन बमर हो जाता है, उसको चीज वो पसंद आए फिर ना पसंद आए। लास्ट मुझे सबसे अच्छी चीज जो अमेजोन पे दिखी ना, वो है फ्रॉम दिस ब्रांड सॉक्सो की, मेरे पास ये बॉक्स काफी टाइम से रखा हुआ है और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, दैट इज व्हाई आई एम फीचरिंग इट राइट हियर। सो ये बेसिकली काफी क्वर्की ब्रांड है जो बहुत क्वर्की सॉक्सेस बनाती है, सो इनके पास क्वर्की सॉक्सेस भी है और एक अच्छी डिसेंट सॉक्सेस भी है। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, रिबन सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग जो मैंने रुइन कर दी थी, इसलिए थोड़ी सी अजीब लग रही है। सो दिस इज हाउ यू ओपन द बॉक्स एंड हियर आर ऑल द सॉक्सेस, सो ये सेट ऑफ 4 की सॉक्सेस हैं, वी हैव वाइट, पिंक, ब्राउन एंड डार्क ग्रीन कलर। इनके बहुत सारे क्वर्की सॉक्सेस भी आते हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, इनके बहुत सारे क्वर्की जो कार्टून वाले वेरियंट्स आते हैं, अगर आपके पार्टनर को पसंद है ऐसी क्वर्की सॉक्सेस पहनना तो एकदम सही है। आई रियली लाइक द क्वालिटी, मैं एक आपको निकाल के दिखाने वाली हूँ, पिंक वाली तो आई थिंक आप भी कैरी कर सकते हो, अगेन मिक्स वाला प्रोडक्ट है, आप उनको भी दे रहे हो और आप कुछ ना कुछ खुद भी अपने लिए रख सकते हो। सो दिस इज हाउ द सॉक्सेस लुक्स लाइक, एंड सॉक्सेस आर नाइस, ह्यूज छोटी सॉक्सेस नहीं है, ये अच्छी बड़ी सॉक्सेस हैं जो कहीं ना कहीं उनके डेफिनेटली काम आने वाली है। एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग, एकदम वो सस्ती नहीं लग रही, बहुत प्रीमियम इनकी पैकेजिंग है, ऐसे पूरा ये बंद होके विद रिबन एंड ऑल आता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है देने में। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्राइस हाई पे कर रहे हो एज कम्पेयर टू रेगुलर सॉक्सेस, बट ये कहीं ना कहीं प्रीमियम लुक भी दे रही है। एंड हियर इज माय DIY वैलेंटाइंस डे गिफ्ट हैम्पर विद ऑल द यूजफुल थिंग्स दैट आई फीचर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज हाउ द हैम्पर लुक्स लाइक, इट्स लाइक फिल्ड विद कलर्स एंड जॉय, वी हैव परफ्यूम, चॉकलेट, पासपोर्ट होल्डर, ईयरफोन्स, देन समथिंग फॉर स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, देन सॉक्स एज वेल, एंड एवरीथिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू साइज, ये डेफिनेटली उनको पसंद ही आने वाला बिकॉज कुछ भी एक पर्टिकुलर साइज का नहीं है। दिस सो यूजफुल, यू कैन गिव इट टू योर पार्टनर, योर हस्बैंड, योर फादर, एनीवन इन योर लाइफ, एंड डू लेट मी नो आपको ये हैम्पर अच्छा लगा फिर नहीं अच्छा लगा, आप कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हो, मेरे पास एक PR का हैम्पर वाला बॉक्स था तो मैंने वो यूज कर लिया, दिस इज हाउ द हैम्पर बॉक्स लुक्स लाइक। एंड विद दिस माई वीडियो इज ओवर, आई होप ये आइडियाज आपको अच्छे लगे होंगे, इन सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आपको एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना आप ये सब कुछ शॉप कर सकते हो फ्रॉम Amazon, और कुछ और भी अगर मुझे इंटरेस्टिंग मिलता है तो वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी डेफिनेटली। एंड डू लेट मी नो ये वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर नहीं अच्छी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में सब एक एक यूजफुल गिफ्ट आइडियाज बताओ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, आई रियली वॉन्ट अगर कोई मेरे कॉमेंट सेक्शन भी चेक करता है ना तो उसको कुछ नया सीखने को मिले। सो इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और भी प्रैक्टिकल गिफ्टिंग ऑप्शन है जो साइज स्पेसिफिक नहीं है, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया मुझे भी सीखने को मिलेगा। फॉलो मी ऑन Instagram फॉर मोर अपडेट्स, वहां पर मैं काफी सारे रिव्यूज करती रहती हूँ, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।